अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा डो। ये मैं इसलिए सेपरेट बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों को कभी बंस बनाने होते हैं, कभी पिज़्ज़ा बनाना होता है, कभी हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी होती है जिसमें डो यूज़ हो जाती है, जैसे कोई ब्रेड बनानी होती है तो उसका स्टाइल सेम ही होता है। तो इसलिए इसकी मैं एक अलग से रेसिपी बना रही हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है, ये मैयरिंग वाला कप लिया है मैंने। आप इसे नॉर्मल साइज़ का जो घर में चाय पीते हैं, इस कप का हाफ ले सकते हैं, यानी ये फुल भरेंगे तो वो 2 कप हो जाएंगे मैदे के। और 1 टेबल स्पून मैंने यीस्ट का लिया है, 2 टेबल स्पून दही है, 1 टेबल स्पून मैंने खुश्क दूध लिया है, 1 अंडा लिया है, इसमें से हम हाफ यूज करेंगे। अगर बड़े साइज का अंडा होगा तो आप हाफ यूज करेंगे, और अगर छोटे साइज का अंडा होगा तो आप वो पूरा डाल सकते हैं। ये नॉर्मल साइज का जो 1 कप होता है, नॉर्मल साइज का जो कप होता है वो पानी लिया है मैंने, ये नीम गर्म पानी है। 2 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल के लिए है, 1 टेबल स्पून मैंने शुगर का लिया है, और 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट का लिया है। तो चलिए अब हम इसकी डो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है कि जो हमारे पास नीम गर्म पानी है, नीम गर्म से थोड़ा सा ज़्यादा पानी है, यानी फिंगर डाल के आपको फील हो जाए, इसमें हम क्या करेंगे, चीनी डाल देंगे, यीस्ट डाल देंगे, सॉल्ट डालेंगे, और हम इसको इसी में हम ऑयल भी डाल देंगे, और हम इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये चीनी इसमें मिक्स हो जाए, और अब हम इसको 5 मिनट्स के लिए ढाँप के रख देंगे, और 5 मिनट बाद जब तक ये यीस्ट फूलेगी नहीं तब तक हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो चलें हम अब इसको किसी प्लेट से, या फिर आप फ्रेश रैप से भी ढाँप सकते हैं, और किसी गर्म जगह रखेंगे, ठंडी जगह बिल्कुल नहीं रखेंगे इसको, इसका ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने ये गर्म जगह पे यीस्ट फूलती है, ठंडी जगह पे यीस्ट डबल नहीं होगी। जब ये फूल जाएगी, थोड़ी सी रेज हो जाएगी, राइज हो जाएगी, तो हम इसको यूज करेंगे। देखिए 5 मिनट्स हो गए और कितने ज़बरदस्त किस्म का राइस हो गया ये हमारा। अगर ये आपकी, ये इस चीज़ की निशानी होती है कि अगर आपका, आपकी ये यीस्ट है वो ठीक है, तो आपकी डो एकदम से पानी एकदम से राइस हो जाएगा। अगर आपकी यीस्ट ख़राब हो चुकी है तो वो राइस नहीं होगा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यीस्ट कैसी है आपकी। तो अब चले हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दही डाल देती हूँ मैं इसके सेंटर में, ड्राई मिल्क इधर डाल देती हूँ, और हम इसमें डालेंगे 1/2 अंडा। पूरा अंडा हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमने दही भी 2 चम्मच डाले हैं, तो उससे भी वो अच्छा सा उसका सेटअप हो जाएगा। चलें अब हम इसको डाल देते हैं अपने गरम किए हुए पानी को, यीस्ट वाले। और देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म के इस पर बबल्स बने हुए हैं, अच्छे से राइज हो गया ये। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब भी आप डो बनाएं तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी डो ज़रा स्टिकी होनी चाहिए। देखें जैसे मेरी इतना, इसकी मेजरमेंट इतनी अच्छी है कि काफ़ी स्टिकी लग रही है। अब हम इसको थोड़ा सा गूंदेंगे, ऐसे ही करके गूंदेंगे, क्योंकि पतली है तो आप इसको बस ऐसे ही अच्छे से मिक्स कर लें इसी के अंदर ही। या आप इसे शेल्फ पे भी कर सकते हैं, चॉपिंग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको जहाँ भी अच्छे से मिक्स कर लें। न्यू है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की और कितनी स्टिकी है ये। इस तरह ही की स्टिकी आपने डो बनानी है। अब हमने इसके ऊपर, इसको सेटिंग करने के लिए थोड़ा सा ऑयल यूज़ करेंगे, 1 टेबल स्पून जितना मैं ऑयल इसके ऊपर अच्छे से लगा दूंगी, देखें ऐसे करके, ताकि ये अपनी जगह छोड़ दे। और अब आप इसके ऊपर फ्रेश रैप भी कर सकते हैं, और इसको आप
एयर टाइट जार में भी रख सकते हैं। 25 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे राइज हो गई है, उसके बाद आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे। देखें हमारी डो राइज हो गई है। अब हम आप इस तरह से जब डो आपकी राइज हो जाए, इतनी फ्लफी हो जाए, तो आपने इसको थोड़ा सा 2-3 मुखियाँ ऐसे मार देनी है उसको नॉर्मल करके, फिर आपने इससे पिज्ज़ा बनाना स्टार्ट करना है। ये देखें अभी अपनी नॉर्मल शेप में आ गई है, जो इसमें फ्लफीनेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।